नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्स अनफोल्डेड पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर के बारे में जिन्हें वर्ष 2016 की बॉलीवुड फिल्म डियर जिंदगी और वर्ष 2012 के टीवी ड्रामा शो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोहित सराफ के बारे में, जिनका पूरा नाम रोहित सुरेश सराफ है, जो एक एक्टर और एक मॉडल है। रोहित सराफ का जन्म 8 दिसंबर 1996 को रविवार के दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम सुरेश सराफ है, वहीं उनकी माता का नाम अनीता सराफ है। उनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम स्वाति सराफ और मेघा सराफ है। इसके अलावा उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम अंकित सराफ है। रोहित सराफ बचपन में ही अपने परिवार के साथ नेपाल से मुंबई आ गए थे और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट फ्रांसिस डीएससी हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित सराफ को बचपन से ही आर्ट्स में काफ़ी शौक था, जिसके चलते वो स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने कथक की ट्रेनिंग भी ली थी। रोहित सराफ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2012 की टीवी ड्रामा शो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर में साहिल के किरदार से की, जो अमेरिकन टीवी ड्रामा शो प्रिटी लिटिल लायर्स पर आधारित है। इसके बाद उन्हें वर्ष 2014 के टीवी सीरियल एक बूंद इश्क में बंटी के किरदार में भी देखा गया। रोहित सराफ ने वर्ष 2015 के MTV इंडिया एंथोलॉजी सीरीज MTV बिग एफ में ज्ञान के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्हें एक इंटरनेशनल फिल्म में भी काम करने का मौका मिला, जो थी वर्ष 2017 में रिलीज हुई नॉर्वेजियन फिल्म व्हाट विल पीपल से। इस फिल्म को 91 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इसी साल यानी 2017 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म डियर माया में भी देखा गया। फिर वर्ष 2018 के कॉमेडी ड्रामा हिचकी में अक्षय का किरदार निभाया और वर्ष 2019 की बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक में प्रियंका चोपड़ा के साथ ईशान चौधरी का किरदार निभाते भी नजर आए। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और रोहित सराफ की जोड़ी को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था। इसके बाद रोहित सराफ ने प्रजाक्ता कोहली के साथ वर्ष 2020 के नेटफ्लिक्स वेब सीरीज मिसमैच्ड में भी दिखाई दी। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित सराफ को सीरियल्स और फिल्म के अलावा कई टीवी कमर्शियल्स में भी देखा गया है, जिसमें KFC, डिज्नी चैनल, सनफीस्ट, डार्क फैंटेसी चॉकलेट आदि शामिल है। दोस्तों ये तो थी रोहित सराफ की प्रोफेशनल लाइफ की बातें। अगर बात करें उनकी पर्सनल जिंदगी की, तो रोहित सराफ को जानवरों से काफी लगाव है। उनके पास दो पेट डॉग्स भी हैं जिनका नाम रूडी और पीशू है। इसके अलावा रोहित सराफ को ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी और रीडिंग का बहुत शौक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोहित सराफ से जुड़ी कोई अन्य जानकारी अगर आपके पास हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अन्य पर्सनैलिटी की बायोग्राफी के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े रोचक किस्सों के साथ। तब तक के लिए हमारा साथ देते रहिए। शुक्रिया, टेक केयर।